अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बाकी बच्चे कहाँ पे हैं? सर अभी क्लास मेमो की खत्म हुई है, अभी ज्वाइन कर लेंगे।
अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? पढ़ा तो किसी ने नहीं होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है। लाइकर ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, किसी को कुछ याद है? Intensifier. मुझे ये बताएं कि इंटेंसिफायर की इनपुट लेयर के अंदर क्या क्या होता है। सर इंटेंसिफायर में इनपुट लेयर को तीन चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो तीन चार पार्ट्स कौन से हैं? आयशा इम्तियाज। यस सर। ये बताया है कि जो इनपुट लेयर को हमने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो 3-4 पार्ट्स कौन से हैं? सर सबस्ट्रेट, इनपुट फॉस्फेट, फोटो कैथोड और विंडो। माहिन बाजी आज आपने सलाम ही नहीं किया। सर मैंने जवाब दिया था। मैंने तो कहा शायद आज क्लास में नहीं है। नहीं सर मैं हूँ क्लास में। महादीन। यस सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इज एवरीथिंग ओके? ऑल गोइंग फाइन? यस सर अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। थैंक यू फॉर आस्किंग। मोहम्मद काशिफ। यस सर। भाई ये फोटो पे थोड़ा सा काम भी होता है, बता देंगे मुझे? सर फोटो के थ्रू सर ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है फोटो इलेक्ट्रॉन में। वेरी गुड यार, अच्छा साथ है, दिल खुश कर दिया सुबह सुबह आज। पहला मुंडा जिन्हें जवाब देता है। जरकम। सर बेटे आप जी सर ले रहे, बड़ी मार खाएंगे आप मेरे से। सर घर के हालात खराब जा रहे। क्या हुआ? अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बेड लगा हुआ है, पूरे घर का माहौल खराब। तो हॉस्पिटलाइज्ड है? नहीं सर घर पे ही हॉस्पिटल है। संबल मुश्ताक। संबल मुश्ताक सारा अनवर। यस सर। किसने बढ़िया? अल्हम्दुलिल्लाह हाउ आर यू? सो जब ये बताएं कि जो हमारे पास वो फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं उनका क्या काम होता है? सिर्फ फोकसिंग लेंसेज या फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो हमारे पास मिनिफाई करते हैं, जो कि बेसिकली कन्फाइन करते हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फोटो कैथोड में से निकले उनको फोकस करते हैं ऑन दी आउटपुट फॉस्फेट। वेरी गुड, मतलब एक और पढ़ने वाले बच्चे की अच्छा जी। आज का लेक्चर बड़ा सीधा साधा सा, स्टेट सेट्स हमने ये सिर्फ देखने के कार्डिक कैसेटाइजेशन के इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, ठीक है? छोटा सा लेक्चर है, चलो पढ़ते हैं। Cardiac catheterization is the insertion and passage of small plastic tubes into the arteries and veins to the heart. ठीक है, cardiac catheterization क्या है? Passage or insertion of small plastic tubes, यानी कि जिसको हम catheter कहते हैं, आप वो चाहे वो जिटकिन हो सकता है, implanter हो सकता है, multipurpose हो सकता है, all it depends on the choice and the complications you are going to face. ठीक है, obtain the extra images of coronary arteries and cardiac chambers and to measure the pressures in the heart. ठीक है, हमारा काम क्या होता है कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू, कि हम कैथेटर इंसर्ट करके क्या करना चाहते हैं, हम देखते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोई एनोमली तो नहीं डेवलप हो रही, ठीक है, कार्डियक चैम्बर्स के अंदर कोई एनोमली तो नहीं है, ठीक है, वहां के प्रेशर्स क्या चल रहे हैं, वहां की सैचुरेशंस क्या चल रही हैं। जी
सर आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है सर। यस सर। यस सर। अब ठीक है, सही आ रही है जी सर। नादिर अब ठीक है आवाज? स्लो है। अच्छा जी, अब बताओ ठीक है सर। अब ठीक आ रही है? यस सर ठीक है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। अब आ रही है आवाज? नादिर अब आवाज ठीक हो गई है? यस सर अब ठीक। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलो। जी सर, सर आप प्लीज स्लाइड शो ऑन कर लेंगे, ऐसे मोबाइल पे वो वर्ड्स बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। स्लाइड शो। चलो ठीक है जी, थैंक यू सर। अब आवाज ठीक आ रही है सबको? यस सर। बस सही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, द कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब परफॉर्म्स अ कैथेटर बेस्ड इंटरवेंशंस टू ट्रीट एक्यूट कार्डियक वास्कुलर इलनेस। ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां पे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो और थेरेप्यूटिक टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि क्या पहले उस पेशेंट का क्या नाम है, कोई एंजियोग्राफिक प्रोसीजर हो चुका हुआ है या नहीं हो चुका हुआ। ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं, हम कार्डियक कैथेटर इंसर्ट करते हैं कैथेटराइजेशन लैब के अंदर, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स में। उससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम चेक करें कि कोरोनरी आर्टरीज की वर्किंग और उनकी क्या कहते हैं एनाटमी वो प्रॉपर है, जो आपके कार्डिक चैम्बर्स हैं उनकी एनाटमी और वर्किंग प्रॉपर है, वहाँ के कार्डिक प्रेशर्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्डिक कैथेटराइजेशन लैब के अंदर हम कैथेटर बेस्ड इंटरवेंशंस परफॉर्म कर सकते हैं। चलो, indications, cardiac catheterization is used to identify the structural cardiac diseases such as atherosclerotic artery diseases, abnormalities of heart muscles and valvular congenital heart diseases. ठीक है, किन डिजीज के लिए हम कार्डिक कैथेटराइजेशन के प्रोसीजर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जैसे कोई एथेरोसक्लेरोटिक आर्टरी डिजीज हो, मतलब यानी कि आपकी आर्टरीज के अंदर जो प्लाक इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या नाम है लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं वजन दिल के वाल जड़े ने बंद हो रहे हैं। ठीक है, abnormalities of heart muscles, ठीक है, आपके हार्ट के मसल्स की abnormalities यानी कि वो क्या नाम है उनकी contraction relaxation में issues आ जाते हैं। ठीक है, कोई electrical imbalances हो जाते हैं कि आपका SA node या AV node properly electrical pulses नहीं send कर रहा। ठीक है, valvular congenital heart abnormalities, आपके जो हार्ट के valves हैं जो क्या tricuspid bicuspid और जो बाकी दूसरे दो aortic valve वगैरह लगे हुए, क्या वो वेल्व प्रॉपरली फंक्शनिंग है कि वो प्रॉपर बंद होते हैं प्रॉपर खुलते हैं ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, या फिर कंजेंटल हार्ट डिजीजेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि दिल में सुराख होता है ASD VSD। ठीक है, या फिर क्या नाम है आपके पास एक और डिजीज भी हो रही है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, आपकी जो एओर्टा है ना वो आपके LV से निकलने के बजाय ना आपके RV से निकल रही होती है। ठीक है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है ना
वो आरवी से निकलने के बजाय आपके क्या नाम है एलवी से निकल रही होती है, तो आपकी जो यानी कि ये दोनों आर्टरीज है ना एओर्टा और पल्मोनरी, ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं, अनोमलस यानी कि ये अनोमली हो जाती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड उधर जा रहा होता है और डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से बॉडी के अंदर जाने के बाद लंग्स में जा रहा होता है। तो इस चीज को भी करेक्शन करते हैं, ये भी कंजेंटल डिजीज है, मेडिसिन पढ़ोगे तो उसके अंदर ये डिजीजेस पढ़ोगे। इन एडल्ट्स द प्रोसीजर इज यूज्ड टू डायग्नोस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। एडल्ट्स के अंदर ये जो हमारा एंजियोग्राफी का कार्डियक कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर है वो मोस्ट कॉमनली किस लिए यूज होता है, कोरोनरी आर्टरीज की डिजीज को देखने के लिए। मैंने आपको पहले बताया कि अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, हम ये जितनी भी सेरेब्रल एनजीओ, पेरिफेरल एनजीओ, ठीक है, और ये रीनल एनजीओ, लोअर लैम्ब, अपर लैम्ब एनजीओ, हमने कुछ भी करना होना तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं विद कंट्रास्ट सीटी, ठीक है, या फिर विद कंट्रास्ट एमआरआई। ठीक हो गया? यस सर। उसके बाद अदर इंडिकेशंस डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, एको रिजल्ट्स एंड चेस्ट एक्सरे, ठीक है। ये ओवरऑल डिजीज के अलावा जो और इंडिकेशन है वो आपको कहाँ से मिलती हैं, कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो, कोई पेशेंट कहता हो कि यार मुझे ना कभी कभी क्या नाम है अब हार्ट पेन होती है जो कि लेफ्ट आर्म में जाती है, या फिर कभी कभी बैठा होता हूँ ना तो मुझे अचानक से पिंचिंग पेन स्टार्ट हो जाती है लाइक एंजाइना टाइप, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर आप एक बंदा है वो इस तरह की कंप्लेन कर रहा है उसको आप फिजिकल एग्जामिन करते हो कि जाओ भाई जरा ये आधा किलोमीटर जरा भाग के आओ, देन यू चेक द देन यू ऑस्कल्टेट, ठीक है, तब चेक करते हैं कि उसकी बीट्स किस तरह आ रही है, प्रॉपर है नहीं है, ठीक है। ईसीजी करवा के देखते हैं कि ईसीजी में उसके क्या नाम है जो सिस्टोल, डायस्टोल, पीक्यूआरएसटी, जो उसका क्या नाम है वेव्स हैं प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। कार्डिक स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं, ठीक हो गया। ये न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर कि आप पहले पेशेंट का स्कैन करते हैं कि जब वो नॉर्मल था, फिर उसको पेशेंट को कहते हैं थोड़ी सी क्या नाम है भाग दौड़ करो, ये थोड़े यानी कि भागो को एक्सरसाइज करो, देन अगेन आप उसका टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। या फिर इसका एक और दूसरा वे भी होता है कि आप पेशेंट को वहीं लेटे लेटे कुछ यानी कि इस तरह की मेडिकेशन दे दें, ठीक है, जिससे क्या नाम पेशेंट की हार्ट की एक्टिविटी तेज हो जाए, ठीक है। तो फिर आप दोबारा उसकी इमेजिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि हार्ट स्ट्रेस में कैसा परफॉर्म कर रहा है और नॉर्मल में कैसा परफॉर्म कर रहा है। एको रिजल्ट, आप क्या नाम है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग ऑफ हार्ट को हम एकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो आप अल्ट्रासोनिक इमेजिंग भी करते हैं हार्ट की, हार्ट में दौ कोई अनोमली है कि नहीं है। चेस्ट एक्सरे पे भी अगर दिल बड़ा है, ठीक है, या फिर क्या नाम है लेफ्ट की जगह राइट साइड को पॉइंट कर रहा है तो वो चेस्ट एक्सरे में इतनी चीज आपको नजर आती है, या फिर आपके एओर्टा में कहीं थोड़ी सी नैरोइंग है तो एओर्टा के इतने बड़े होने की वजह से आपको थोड़ा सा फील हो जाता है कि हाँ जी एओर्टा भी कहीं से नैरो आ रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। यस सर। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं सस्पेक्टेड नॉन कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सडन कार्डियोवास्कुलर डेथ, वल्वुलर हार्ट डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, एओर्टिक डिसेक्शन। एओर्टिक डिसेक्शन एक ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर एओर्टा की जो लाइनिंग होती है ना, ठीक है, वो लाइनिंग ना यानी कि तीन जो लाइनिंग्स होती है ना एओर्टिक वॉल की, ठीक है, उनके दरमियान में ना क्या नाम है एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। उस स्पेस के अंदर ब्लड जाता है और ब्लड एक दूसरे को ना क्या नाम है यानी कि जाहिर सी बात है दो स्पेसेस के दरमियान ब्लड जाएगा तो वो नैरोइंग कॉज करेगा एओर्टा के ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। उससे क्या होता है एओर्टा में नैरोइंग आ जाती है और आपका जो क्या नाम है एओर्टिक प्रेशर है वो नॉर्मल नहीं जा रहा था और वो बॉडी के आगे अंदर जो ब्लड पंप हो रहा था वो प्रॉपर प्रेशर पे पंप नहीं हो रहा था जिसके वजह से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही होती। इसी तरह पेरिकार्डियल कंस्ट्रिक्शन है, आपके क्या नाम है जो पेरिकार्डियम है ना हार्ट की जो कवरिंग है, ठीक है, उसके अंदर क्या कहते हैं थोड़ा ना ऐसे स्टिफनेस टाइप सी आ जाती है, ठीक है, थोड़ी सख्त हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट को ना पंप करने में और रिलैक्स करने में ना इश्यूज आते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्डियोमायोपैथी, जो आपके कार्डियक मसल्स हैं जिसके थ्रू हार्ट क्या नाम है स्क्वीज करता है और ब्लड को पंप करता है फिर रिलैक्स करता है, वो मसल्स जो हैं वो क्या नाम है ऐसे आहिस्ता आहिस्ता यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। इन सारी चीज़ों को हम देखने के लिए कि इनमें से कोई चीज़ हैपने हो रही है हम कार्डियक कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर यूज करते हैं। क्लियर है? अगर ये चीज आपको पेशेंट के अंदर मिले तो आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर नहीं करना। वो क्या क्या है? एक्टिव जीआई ब्लीड, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर कोई ब्लीड हो रहा हो, रिसेंट स्ट्रोक, आपके पेशेंट को कोई रिसेंटली क्या नाम है कार्डियोवास्कुलर अटैक हुआ, क्या नाम है उसको क्या कहते हैं उसकी हार्ट की कोई आर्टरी यानी क्या ब्लॉकेज हुई हो जिसकी वजह से उसको अटैक हुआ हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो प्रॉपरली ना यानी कि हो, बॉडी के अंदर आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया उसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस आया, ठीक है,
शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको कैसे पता चलेगी? एक पेशेंट है उसको नजर आ रहा है आपको कि जी क्या नाम है, वो पेशेंट बड़ा फ्रेल सा है, ठीक है, उसको पहले भी काफी सारी बीमारियां रह चुकी हैं, ठीक है, अब उसकी सेहत इस काबिल नहीं है कि क्या नाम है वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सके कि जी उसकी एक मेन के अंदर से आप पूरा एक कैथेटर लेके जाओ और दिल तक जाके वहाँ उसके प्रेशर मेजर करो, ठीक है, उस कंडीशन में भी आप क्या नाम है एंजियोग्राफिक प्रोसीजर नहीं करते। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर ये आता है कि आपके जो क्या नाम है बॉडी है उसके अंदर क्या कहते हैं कोगुलेंट्स जो है ना वो प्रॉपर नहीं बन रहे, ठीक है, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता। उस दिन किसी स्टूडेंट ने ना मुझे सवाल भी पूछा था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, वो उसका भी उसने कहा था कि एंटी कोगुलेंट्स कैन बी कंटिन्यूड थ्रू द रेडियल एसेस। रेडियल एसेस देखो, अब रेडियस जो आपकी रेडियल जो वेन है ना वो बहुत ही ना पतली सी होती है, बहुत पतली सी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे एंटी कोगुलेंट्स जो होते हैं ना, एंटी कोगुलेंट्स जो होते हैं वो ब्लड को ना क्लॉट नहीं होने देते। कुछ लोगों में ये मसला था कि ब्लड के क्लॉट होने की वजह से ना भी आपकी आर्टरीज चोक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है एक हीमाटोमा बन के वो आर्टरी को बंद कर देगा, ठीक है, तो इसलिए वो लोग एंटी कोगुलेंट ड्रग्स लेते हैं कि हमारा खून जो है ना वो पतला रहे, जमे ना, ठीक है। अब एक बंदे को मसला है अगर हम उसकी फेमोरल अप्रोच यूज करेंगे, फेमोरल आर्टरी एक बड़ी आर्टरी है, ठीक है, अगर हम उसमें एंटी कोगुलेंट बंद कर देंगे ना कि जी क्या यहाँ पे हमारे पास ब्लीडिंग ना हो, ठीक है, ब्लड क्लॉट हो जाए, तो वो उस बंदे के लिए मसला बन जाएगा। इसलिए हम ऐसे पेशेंट में रेडियल आर्टरी को क्या नाम है चूज करते हैं ताकि वो पेशेंट्स का क्या नाम है ब्लड भी प्रॉपरली फ्लो करता रहे, उसके लिए मसला भी ना बने और हमारे लिए ब्लीडिंग को कंट्रोल करना इजी हो, क्योंकि एक छोटी आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद अनकंट्रोल्ड वेंट्रिकुलर एरिथमियास, अगर क्या नाम है आपकी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जो है वो अनकंट्रोल्ड है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज आ रही है, ठीक है, एओर्टिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, एओर्टिक वाल्व के अंदर जो मसल्स हैं, ठीक है, उनकी स्टिफनेस होने की वजह से वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है। एलर्जी टू कंट्रास्ट मीडिया, कुछ आपके जो कंट्रास्ट है ना, ठीक है, वो जाहिर सी बात है एक बाहर से चीज अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करनी है तो बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है, कुछ लोगों को माइनर रिएक्शन आते हैं जैसे कि नॉजियस फीलिंग आ जाती है, वॉमिटिंग या हेडेक वगैरह फील होता है, ठीक है, कुछ लोगों को सीवियर रिएक्शन आते हैं, उनकी बॉडी इतना ज्यादा रिजेक्शन करती है कंट्रास्ट को कि क्या नाम है वो क्या कहते हैं उनको कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है, कुछ कोमा में चल जाते हैं, इवन डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से आपको पेशेंट से हमेशा कंसेंट फॉर्म के अंदर आप कंसेंट साइन करवाते हो कंट्रास्ट इंजेक्ट करने से पहले कि हम आपको सारे रिस्क बता के कंट्रास्ट इंजेक्ट करें कि इसके ये फायदे हैं कि आपकी जो है कि हमें डिजीज डायग्नोज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये नुकसान है कि आपको ये चीज़ फील हो सकती है, तो क्या आप हमें ये इजाज़त देते हैं कि हम आपको कंट्रास्ट इंजेक्ट करें, ठीक है। पेशेंट को आप क्या नाम है हमारे गवर्नमेंट सेटअप वगैरह में तो इतना यानी कि गाइड नहीं किया जाता और ना ही इतनी कोई कंसेंट वगैरह ली जाती है, ठीक है, उनको वो उनके लिए यही कंसेंट होता है कि डॉक्टर ने कह के भेजा था, ठीक है। और उसके अलावा एक बात हमेशा याद रखना, सबके सब क्या नाम है आगे जाके तुम लोगों ने काम शाम करना है, जब भी आपने पेशेंट को कंट्रास्ट इंजेक्ट करना है ना, आपने आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट पेशेंट के जरूर चेक करने हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या चेक करना है क्रिएटिनिन की वैल्यू, ठीक है, वो आपकी क्या नाम है 0.4 से लेके 1.23 तक होनी चाहिए। क्रिएटिनिन की वैल्यू रीनल फंक्शन टेस्ट के अंदर 0.4 से लेके 1.23 तक होनी चाहिए, 1.3 इज द बॉर्डर लाइन, इससे ऊपर हुई तो आपने कंट्रास्ट इंजेक्ट नहीं करना, और अगर 0.4 से भी नीचे हुई तो कंट्रास्ट इंजेक्ट नहीं करना। अब क्रिएटिनिन की वैल्यू हम क्यों देखते हैं, आरएफटीज के अंदर अगर क्रिएटिनिन की वैल्यू 0.4 से 1.23 के दरमियान में आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी किडनीज प्रॉपरली वर्किंग है, ठीक है, और वो प्रॉपरली क्या नाम है एक्सक्रीट आउट कर रही है ये सारी चीजों को, क्रिएटिनिन यूरिया दिस एंड दैट सब, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 1.34 से ऊपर आती है इट मींस किडनीज प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, और सिमिलरली अगर 0.4 से नीचे आती है तो इसका भी यही मतलब है कि किडनीज प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, आपका कंट्रास्ट वॉश आउट नहीं होगा, बॉडी के अंदर ही रहेगा और वो बार बार रिएक्शन कॉज करता रहेगा जो कि पेशेंट को डेथ की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, उसके बाद वो कहता है रीनल फेलियर, ठीक है, आपका अगर रीनल फेलियर है तो के बाद अभी मैंने सारी आपको बता दी है कि कंट्रास्ट आपका वॉश आउट ही नहीं होगा, ठीक है, जब एक चीज काम ही नहीं कर रही तो कैसे वो आगे क्या नाम है उसको वॉश आउट कर सकती है, ठीक है। फीवर फ्रॉम द इन्फेक्शन, अगर आपको फीवर है तब भी नहीं आपने ये प्रोसीजर करना। एनीमिया पेशेंट रिफ्यूजल, अगर पेशेंट रिफ्यूज कर देता है कि नहीं भाई मैंने ये प्रोसीजर नहीं करवाना, मैंने कंट्रास्ट इंजेक्ट नहीं करवाना, या फिर मैंने क्या नाम है कोई कैथेटर अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, तब भी आपने ये प्रोसीजर नहीं करना। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा मेडिकेशन के थ्रू, तब भी नहीं आपने करना। पर्मनरी एडिमा है तो उस कंडीशन में भी आपने कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर नहीं करना, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं आपको,
डेथ हो सकती है पेशेंट की, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, एरिदमिया हो सकते हैं. एरिदमिया का पता है किसी को? माहीन, कैन यू टेल मी व्हाट इज एरिदमिया? सर हार्ट का जो रिदम है वो नॉर्मल नहीं होता, क्या तो टेकीकार्डिया होता है या ब्रेडीकार्डिया होता है. हाँ ठीक है, या फिर आपकी जो बीट्स हैं वो प्रॉपर नहीं आ रही, लाइक अगर हमारी बीट आती है ना वो क्या कहते हैं जो एसएससी में पढ़ा था लब डब, ठीक है, तो वो लब डब का जो है ना वो प्रॉपर नहीं आ रही होती, ठीक है, लाइक हार्ट साउंड करेगा आपको लब डब डब, ठीक है, लब डब 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 इस तरह करके, लाइक दीज आर कॉल्ड मर्मर्स, ठीक है. एरिथमियाज के अंदर ना आपको मर्मरिंग मिलती है, हार्ट के जो साउंड है ना वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है. हेमरेज, अगर आपके कहीं इंटरनल कहीं ब्लीड हुआ है, ठीक है, कंट्रास्ट के थ्रू आपको एलर्जीज कॉज हो सकती हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं जो आपकी क्या कहते हैं हीमोडायनामिक्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्योंकि आप बाहर से इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है. परफोरेशन, आप आर्टरी अगर प्रॉपरली अगर आपने जो अपनी नीडल है प्रॉपर इंसर्ट नहीं की, या आपका क्या नाम है जो शीथ है या फिर आपका कैथेटर अगर वो थोड़ा हार्ड है तो वो आर्टरी को रप्चर कर सकता है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है. दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस. अब उसके कैथेटराइजेशन लैब के अंदर हम कौन सा डाटा कट से इंफॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द कार्डियक कैथेटराइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, हीमोडायनामिक्स, पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हीमोडायनामिक्स इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द कैथेटर्स इनसाइड द हार्ट एंड कंसिस्ट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट्स, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है. साइन एंजियोग्राफी, द टर्म साइन एंजियोग्राफी डिस्क्राइब द एक्सरे फोटोग्राफी ऑफ द कार्डियक स्ट्रक्चर, द साइन एंजियोग्राम प्रोवाइड्स एन एनाटॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड द कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है. दो किस्म का डाटा हम इकट्ठा करते हैं, एक तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था हीमोडायनेमिक्स, और दूसरा क्या है कार्डियक एनाटॉमी ठीक है, प्रॉपरली वर्किंग है, फंक्शनिंग है, या फिर इसके अंदर कोई इशूज हैं. प्रिपरेशन क्या होती है पेशेंट की, कंसेंट फ्रॉम द फॉर द प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड द रिस्क. आपने पेशेंट का प्रोसीजर करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने करना है जी क्या कहते हैं एक मैंने एओटोग्राम करना है, यानी कि मैंने एओटा की पेटेंसी चेक करनी है, एओटा हर जगह से ठीक है प्रॉपर्ली, इसके अंदर उसकी सारी ब्रांचेस ओपन है, हर जगह पर क्या नाम है ब्लड प्रॉपर फ्लो कर रहा है, कहीं पे कोई नैरिंग तो नहीं है. मैं पेशेंट को बताऊंगा कि भाई जान क्या नाम है आपको जो ये कार्डियक पेन हो रही है ना उसके अंदर हमें सस्पिशन है कि जी क्या नाम है आपके शायद ना एओर्टा के अंदर कहीं कोई इशू है, ठीक है, तो हमने आपके साथ एक प्रोसीजर करना है, उसके अंदर ये होगा कि हम आपको यहाँ लिटाएंगे, हम आपको क्या नाम है थोड़ा सा बेहोश करेंगे, ठीक है, और आपको फेमोरस ऐसे रेडियल जो भी यूज़ करनी है वो बताएंगे कि हमने ऐसे ऐसे आपकी क्या नाम है इस आर्टरी के थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट करना है. पेशेंट को फ्लोरोस्कोपी की समझ नहीं आनी, हम उसको कहेंगे हमने कैमरा डालना है, बिकॉज कैमरे के थ्रू हम देखेंगे कि अंदर सब कुछ ठीक है, अगर तो ठीक हुआ तो सही है, अगर ना हुआ तो हम दोबारा ये वाला प्रोसीजर करके तो उस मसले को ठीक करेंगे, ठीक है. इस मसले ये प्रोसीजर करने के दौरान हमने आपको कंट्रास्ट भी लगाना है, ठीक है, कंट्रास्ट के साथ साथ आपको ये मसला हो सकता है, और ये प्रोसीजर के दौरान ऐसे ऐसे करके ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो आपके साथ ये वाले मसाइल हो सकते हैं, क्या आप हमें इजाजत देते हैं कि हम आपका ये टेस्ट परफॉर्म करें, ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर. इसके बाद वो कहता है कि कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, एक बात हमेशा याद रखना एज ए क्लिनिकल प्रोफेशनल, ठीक है, आप लोगों को पेशेंट के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना है, अगर आप अच्छे तरीके से बिहेव नहीं ना करोगे तो आप में और ये दो साल के डिप्लोमा वाले टेक्नीशियन में ना कोई फर्क नहीं है, इवन दो जितना वो काम कर चुके हैं ना वो आपसे बहुत लाख दर्जे अच्छा काम कर लेते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा, एक पढ़े लिखे और एक क्या नाम है डिप्लोमा होल्डर के अंदर डिफरेंस यहीं से क्रिएट होगा कि सबसे पहले उसका एटीट्यूड किस तरह का पेशेंट की तरफ, लाइक आप लोग कभी भी जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखोगे ना तो आप लोगों को वो खुद ही समझ आ जाएगी कि वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है, पेशेंट को, पेशेंट के अटेंडेंट को, ठीक है, जैसे भी बच्चा लेटा हुआ है, बड़ा लेटा हुआ है, ठीक है भाई एक्सरे कर दो, नहीं सही आया तो दोबारा कर लांगे, ठीक है, और बीबी किथे जा रही है, ऐसे खलो जा, इन दिस वे, सो यू शुड हैव टू बी पोलाइट विद द पेशेंट एंड डू कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि आप देखें आप भी हैं, लाइक एक बंदा है उसको अगर इंजेक्शन से डर लगता है सिंपल, ठीक है, तो साथ अपने अम्मा अब्बा भाई बहन किसी को लेकर जाता है कि यार तेरी मेहरबानी मेरे साथ चल, मैं ना तेरी तरफ देखता रहूंगा तो मुझे इंजेक्शन लग जाएगा, मुझे पता नहीं लगेगा. सिमिलरली पेशेंट, ठीक है, जो बीमार है, ठीक है, उसके अब अटेंडेंट्स भी उसके पास नहीं, क्योंकि कैथेटराइजेशन लैब आप बहुत ज्यादा क्या नाम है जर्म फ्री रखने की कोशिश करते हो, ठीक है, खुद भी स्क्रब रूम से साफ सुथरे गाउन्स वगैरह पहन के आते हो, तो अटेंडेंट तो वहाँ कोई होता नहीं है, ठीक है, तो पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, टू कीप द पेशेंट काम, ठीक है, समझ आ गई है, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन रखनी है ड्यूरिंग द प्रोसीजर और पोलाइट रहना, ठीक है, यही चीज आपका डिफरेंस क्रिएट करेगी फ्रॉम टेक्नीशियंस टू टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है. Explain the procedure in terms he or she can understand. The purpose should be clear to look at the coronary artery and to examine the heart muscle.
लैब एटमॉस्फेयर द पेशेंट कॉन्फिडेंस बिल्डर, ठीक है, लैब का एटमॉस्फेयर इस तरह का होना चाहिए कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो खुद को काम फील करे. एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल एटीट्यूड शुड बी अज्यूम्ड बाय ऑल पर्सनल, जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं, आपका कार्डियोलॉजिस्ट, आप टेक्नोलॉजिस्ट, आपकी नर्स, आपका जो क्या नाम है वार्ड बॉय हेल्पर, ठीक है, इन सब का एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए पेशेंट के साथ और पोलाइट होना चाहिए. सर्कुलेटिंग टीम शुड बी कॉन्फिडेंट, रीअश्योरिंग एंड प्रोफेशनल, कम्युनिकेट द पेशेंट इमीडिएटली बिफोर द कार्डियक कैथ, री एग्जामिन द ईसीजी. ठीक हो गया. अ ब्रीफ एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, चेक हार्ट साउंड्स, ब्रेथ साउंड्स, कैरोटिड एंड पेरिफेरल पल्सेस. पेशेंट शुड बी द एनपीओ. व्हाट इज मीन बाय एनपीओ? क्या करवाते हैं? फास्टिंग करवाते हैं कि उन्होंने 4 to 6 hours तक कुछ खाना नहीं होता. हाँ, ऑलमोस्ट हम यानी कि ना 6 hours का मिनिमम कहते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यानी कि डॉक्टर्स बोलते हैं वो यही कहते हैं कि भाई जी रात को 12 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना, क्योंकि आप जब पेशेंट को कहोगे ना 12 के बाद कुछ नहीं खाना, उसने फिर भी 4-5 बजे ना कुछ जाके खा लेना है, ठीक है. तो इसलिए अगर आप उसको 6 घंटे का कहोगे ना, वो 6 घंटे का भी फिर क्या नाम है 2 घंटे पहले सिर्फ उसने खाया होगा. इसलिए मोस्टली यही कहा जाता है कि 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, ठीक है. इन लैब पेशेंट्स की होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ होती है कि क्या नाम है आपकी जो लैब है उसके अंदर पूरी या जो प्रोसीजर के लिए चीज़ें वो अवेलेबल हों, ठीक है. पेशेंट आईडी चेक करनी होती है, ठीक है, कि पेशेंट आइडेंटिफाई करना होता है कि उसकी जो अगर एक पेशेंट का हमने एंजियोग्राम करना है तो क्या ये वही पेशेंट है जिसका एंजियोग्राम करना है जिसको हमने टेबल पर लिटाया, या फिर किसी और प्रोसीजर वाले पेशेंट को तो नहीं टेबल पर लिटा दिया, ठीक है. क्या मैसेज कर रहे हो भाई? यस सर. अच्छा जी, ठीक है, ठीक है. और उसके बाद क्या नाम है, ब्लड प्रेशर चेक करना होता है, बेस लाइन डिसीजन चेक करनी होती है, पेरिफेरल पल्सेस, और चेक फॉर एनी नाउन एलर्जीज के पेशेंट को कंट्रास्ट तो कोई एलर्जी नहीं है, ठीक है, या पेशेंट को कोई क्या नाम है और कोई एलर्जी तो नहीं है, पेशेंट का नाम है कोई उसको फोबिया तो नहीं है इस तरह के प्रोसीजर से, ठीक है. इस तरह की चीज़ें आपने पेशेंट के प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेनी होती हैं, ठीक है. कैथेटराइजेशन सूट पर पेशेंट, ठीक है, उसके अंदर क्या ईसीजी आपको वहाँ पे क्या नाम है ईसीजी मॉनिटरिंग के लिए आपको पूरा सिस्टम वहाँ पे पड़ा होता है, उसके बाद आपने ऑन करके ईसीजी लीड्स लगानी होती है पेशेंट को, ठीक है. आईवी एक्सेस आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, रेडियल या फेमोरल, और डिपेंड करेगा कार्डियोलॉजिस्ट पे को क्या नाम है देखेगा कंडीशन सारी कि कौन सी एक्सेस मैंने यूज करनी है, ठीक है. प्रिपरेशन सारी स्टीरियल होनी चाहिए, यानी कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा ना हो जो पहले पेशेंट पे यूज हुआ है और दोबारा विदाउट वॉशिंग एंड क्लीनिंग दोबारा यूज हो रहा है, ठीक है. सबके सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो साफ सुथरे नए मतलब यानी कि वॉश और स्टेरलाइज्ड यूज होने चाहिए, ठीक है. वास्कुलर साइड प्रिपरेशन, जो आपकी वास्कुलर साइड है चाहे वो रेडियल या फेमरल है, जो भी आपने यूज करना है उसको आप प्रिपेयर करते हो, क्या करते हो वहाँ पे सारा एल्कोहल से आपसे साफ करके, ठीक है. और उसके बाद क्या कहते हैं आप डॉक्टर के साथ क्या कहते हैं नर्स भी होती है, उसके हाथ में सारी चीजें होती हैं, सिरिंज, गाइड वायर, ठीक है, और ये एल्कोहल पैड्स, कॉटन, ये सब कुछ उसके पास अवेलेबल होता है जिससे वो साफ करके और फिर वहाँ पे क्या नाम है लिग्नोकेन इंजेक्ट करके फिर पेशेंट के हम वास्कुलर एक्सेस करते हैं. एंजियोग्राफिक सप्लाईज एंड इक्विपमेंट, ठीक है, क्या क्या चाहिए होता है हमें, कंट्रास्ट, प्रेशर इंजेक्टर और कैथेटर्स, ठीक है, क्योंकि फ्लोरोस्कोपी तो लगी हुई है, ऑब्वियस सी बात है. किसी का कोई सवाल? सर एनपीओ की फुल एब्रिविएशन बता दो. निल पर ओरल, यानी कि आपने मुंह से ना खाया, ठीक है. पेशेंट पोजीशनिंग, पेशेंट मस्ट बी पोजीशन सो दैट दे विल नॉट हैव टू बी मूव ड्यूरिंग द प्रोसीजर. पेशेंट की पोजीशनिंग आपने इस तरह करनी है कि क्या नाम है पेशेंट को प्रोसीजर के दौरान आपको मूव ना करना पड़े, ठीक है, यानी कि टेबल के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो क्या कहते हैं हमारा जो फ्लोरोस्कोपिक सी आर्म है वो किस रेंज तक मूव कर सकता है, कितने डिग्रीज तक राइट लेफ्ट अप डाउन मूव कर सकता है. तो पेशेंट को आपने उसके अकॉर्डिंगली मूव करना है कि आपको ड्यूरिंग प्रोसीजर्स को मूव ना करना पड़े. मस्ट बी पोजीशन सो द एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरेस्ट आर डेमोंस्ट्रेटेड, ठीक है. इस तरह पोजीशन करना चाहिए कि जो आपके एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स आपको चाहिए वो प्रॉपरली नजर आ सकें, ठीक है. यानी कि ये ना हो कि पेशेंट जो है वो क्या कहते हैं थोड़ा सा एक साइड को होके लेटा हुआ है, टेबल से थोड़ा सा एक साइड पे आया, सेंटर में नहीं लेटा हुआ, ठीक है. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है. पेशेंट इज स्पाइन शील्डिंग एज अप्रोप्रिएट, ठीक है. पेशेंट स्पाइन लेटा होता है जाहिर सी बात है अब जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है वो पेशेंट की क्या नाम है स्कैटर रेडिएशन पूरी बॉडी को मिल रही है, तो हम जो कोशिश करते हैं कि पेशेंट के क्या नाम है पेशेंट को ग्रेनेडल शील्डिंग और आईज के ऊपर हम शील्ड प्रोवाइड कर दें, ठीक है. ग्रेनेडल शील्डिंग एक क्या नाम है एक प्लेट टाइप सी होती है जो कि आप क्या नाम है आपके पेल्विस रीजन के ऊपर रख देते हो चाहे फीमेल है या मेल है, ठीक है, ताकि आपके जो क्या कहते हैं गोनेड्स है ना, ठीक है, फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टिकल्स, उनको रेडिएशन ना पड़े क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी क्या नाम है
anomalies cause ho jate hain jiski wajah se kya hai aapke jo fertility hai uske upar effect pad sakta hai. Theek hai, kisi ka koi sawal? No sir. Koi puch lo. ठीक है बच्चों, जा सकते हो. क्वेश्चन आया किसी का कोई, या क्लास एंड कर दें? नो सर, नो क्वेश्चन. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज़.